मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम होटल स्टाइल नान घर पर बनाएंगे। और ये घर पर बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और होटल में सबको नान खाना पसंद होता है, तो ये घर पर सबको मुश्किल लगता है बनाना, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से हम घर पर बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो नान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और नान हमेशा मैदे से ही बनती है, तो आप आटे से भी बना सकते हैं। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। और ये बेकिंग पाउडर केक में यूज़ होता है तो ज़्यादातर सबके पास मिल ही जाता है। और अब यहाँ पर 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 चम्मच नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और अब यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही डालेंगे, और ये घर का नॉर्मल दही लिया है, आप खट्टा दही भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और दही का रिएक्शन होने से ये नान का जो आटा है वो एकदम अच्छे से फूल जाएगा और नान अच्छी बनेगी। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी डालकर इसका आटा लगा देंगे। और आटे का डो रोटी के जैसा ही तैयार करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, नॉर्मल आटा ही तैयार करेंगे। तो आटा यहाँ पर अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच के करीब तेल और लगा देंगे जिससे आटा हाथों पर चिपके नहीं। और इस तरह से मैदे का डो तैयार हो गया है और इसको इस तरह से गोल करके 15 मिनट के लिए रख देंगे और नान अच्छी बनेगी। और आप 1 घंटे के करीब भी रख सकते हैं, 1 घंटे से नान और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आटा यहाँ पर तैयार हो गया है नान बनाने के लिए और हम बटर गार्लिक नान बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 1/2 चम्मच कलौंजी ली है और थोड़ा सा हरा धनिया काट के लिया है, और 1/2 कटोरी पानी लिया है। और अब एक छोटा सा कद्दूकस ले लेंगे और इससे लहसुन को ग्रेट कर लेंगे। तो ये लहसुन नान के ऊपर लगाएंगे और आप हाथ से भी चाकू से चॉप करके भी डाल सकते हैं। लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है तो नान बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है और 1 आटे की लोई बना ली है और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा देंगे। और अब ओवल शेप के नान तैयार करेंगे, होटल में ज़्यादातर ओवल शेप की ही नान अच्छी लगती है और आप गोल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ओवल शेप का आकार इसको दे देंगे तो ये होटल स्टाइल नान तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे बेलकर नान को अच्छे से तैयार कर लेंगे। नान को अच्छे से हल्के हाथ से ही बनाना है जिससे ये अच्छी बनती है। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी लगा देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी लगा देंगे और थोड़ा सा लहसुन लगाएंगे। इससे ये होटल स्टाइल नान दिखेगी जो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। और अब इसको बेलन से अच्छे से चिपका देंगे जिससे ये वापस उतरे नहीं और नान के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। और अब नान को पलट देंगे और नीचे की साइड नान के ऊपर पानी लगाएंगे जिससे ये तवे पे अच्छे से चिपक जाए। और पानी यहाँ पर एकदम अच्छे से लगाना है पूरी नान के ऊपर जिससे ये अच्छे से तवे के ऊपर चिपक जाएगी और सेकते टाइम ये उतरेगी नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम पानी थोड़ा ज़्यादा लगाना है। और अब यहाँ पर लोहे के तवे को गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को यहाँ पर एकदम कम रखना है, नहीं तो नान जल जाएगी। और अब इस नान को तवे के ऊपर पानी की साइड से अच्छे से चिपका देंगे और थोड़ा सा हाथ से दबा कर इसको अच्छे से चिपकाएंगे जिससे ये उतरेगी नहीं। और 2 मिनट के अंदर नान नीचे से सिक जाएगी और अच्छे से फूल जाएगी। तो इस तरह से फूलने पर
तवे को उल्टा करके नान को गैस के ऊपर सेकेंगे, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं किया है, आप देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे नान को सेकना है। नान में हमने मैदा यूज़ किया है तो इसलिए इसको अच्छे से सेकना भी ज़रूरी है। और गैस की फ्लेम को भी यहाँ पर मीडियम रखना है, फुल आंच पर नान जल जाएगी। तो इस तरह से साइड से चारों तरफ से नान को अच्छे से सेक लेंगे। तो इसको भी 2 से 3 मिनट में सिकने में टाइम लगता है, लेकिन फुली फुली एकदम कुरकुरी नान अच्छे से तैयार हो जाएगी, एकदम तंदूर के स्टाइल, जिसको हम घर घर पर गैस पर भी एकदम आराम से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नान एकदम अच्छे से सिक गई है। और अब एक स्पेचुला से नान को एकदम थोड़ा सा स्क्रैप करके नीचे से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे से भी नान एकदम अच्छे से सिकी है, जली नहीं है। बस गैस की फ्लेम को कम रखना है जिससे ये अच्छे से सिक जाएगी। अब एक नान और तैयार कर ली है, इसको भी पानी की साइड से तवे के ऊपर अच्छे से डालकर इसको हाथ से अच्छे से दबा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगी। और अब सिकी हुई नान के ऊपर बटर लगाएंगे, और आप यहाँ पर घी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको बटर गार्लिक नान ही बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पर बटर ही लगाया है। तो इस तरह से अच्छे से बटर लगा देंगे। और ये गरम गरम नान आप कढ़ाई पनीर, शाही पनीर या बटर पनीर मसाला किसी के साथ भी इस नान को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से नान बनाकर आप भी घर में होटल का फील ले सकते हैं, और एकदम इजी मेथड से ये नान बना सकते हैं। जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस उतना ही टाइम इसमें ही लगता है, बस आटे को थोड़ी देर रखना है। तो दूसरी नान को भी आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से फूल गई है, और इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। और अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो एक साइड से इसी तरह सेक कर इस नान को चिमटे से पकड़कर गैस के ऊपर डायरेक्ट सेक सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप नान को अच्छे से बना सकते हैं। तो ये नान भी अच्छे से सिक गई है, और इसके ऊपर भी बटर लगा देते हैं। तो इस तरह से आप भी एकदम आसान तरीके से होटल के स्टाइल गार्लिक नान घर पर बना सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।